ये क्या है छोटी मालकिन? तुझे मेरे प्यार का तोहफा। छोटी मालकिन, ये प्यार नहीं। जिस जिस्म को पाने के लिए शहर का हर मर्द अपनी रूह को बेचने के लिए तैयार है करण, और ये जिस्म तुझ पर बिकने को तैयार है। ये जिस्म सबकी ख्वाहिश है करण, और इस जिस्म की ख्वाहिश है तू। जिस्म की नुमाइश पश्चिम की अदा है, शर्म हिंदुस्तान का गहना, और प्यार, प्यार तो दिलों में धड़कन बन के बस जाता है, और इस दिल की धड़कन का नाम है नैना। नैना पागल, नैना तो हमारे भाई ठाकुर दिग्विजय सिंह की ख्वाहिश है। ये झूठ है, ये झूठ है ना? नहीं करण, यही सच है। इस वक्त तेरी नैना हमारे भाई की बाहों में पिघलने के लिए सज रही होगी, और हमारे भाई की बाहों में पिघलने के बाद मसली हुई कलियां सिर्फ बाजारों की रौनक बनती हैं। हुकुम? हुकुम नहीं, गुलाम। ये पाप है हुकुम। पाप? ये तेरी खुशनसीबी है कि ठाकुर दिग्विजय सिंह ने तुझे इस काबिल समझा। ये दर्द हमारा इनाम है तुझे। कोई और लड़की होती तो उसे मौत कबूल करनी पड़ती। हम किसी और से प्यार करते होंगे। ठाकुर दिग्विजय सिंह की चाहत किसी और का प्यार कैसे? दिग्विजय सिंह का जुनून है, मौत भी तुझे हमसे छीन नहीं सकती। ना जी, वो हमारा सच्चा प्यार है हुकुम, हमारा सच्चा। नैना, नैना, वो आ गया हुकुम, हमें जाने दीजिए हुकुम, वो हमें लेवाने आ गया हुकुम, हमें जाने दीजिए। वो आ तो गया है, मगर अब वो यहां से जिंदा वापस नहीं जाए, नहीं जाए। नैना! यहां के दरो दीवारों को हमारे सिवा किसी और की ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं। हम नैना को लेने आए हैं हुकुम। गुस्ताख, अपनी जबान से नैना का नाम लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं, वो हमारी मोहब्बत है हुकुम। हमें नैना दे दीजिए, हम उसे लेकर गांव लौट जाएंगे, गांव लौट जाएंगे हुकुम। नैना हमारी जागीर है, वो इस घर में हमारी ख्वाहिश बनकर आई थी और अब हमारी जिंदगी बनकर रहेगी। जा, चला जा यहां से। आपके पास तो सब कुछ है और हमारा सब कुछ नैना है। हमें हमारी नैना दे दीजिए। तुझे नैना चाहिए? हाँ, हुकुम, हुकुम, नैना चाहिए मुझे। सच में तुझे नैना चाहिए? हाँ हुकुम। नैना चाहिए इसे, हमारी नैना चाहिए इसे। हाँ, नैना चाहिए मुझे, मुझे नैना चाहिए। नैना का नाम अब किसी की जबान पर आया तो हम उसकी जबान खींच लेंगे। जितना चाहे सुन कर लो, पर मेरी नैना मुझे दे दो, मेरी नैना मुझे दे दो। मत ले नैना का नाम, यह मेरी कुव्वत आजमा रहा है। मत ले नैना का नाम। अगर तू हमारे वफादार बलवंत का बेटा ना होता, उसका खून ना होता, तो
अपना सारा खून फर्श पर बहा देते, उसी खून में बहते हुए तेरे नमक ने मुझे रोक रखा है, वरना नैना की खातिर मैं यहां लाशों के ढेर बिछा देता। बख्तावर, इसे समंदर के हवाले कर दो। कहाँ है मेरा करण? क्या किया उसके साथ? कहाँ है मेरा करण? मैं तुमसे पूछ रही हूं, बताओ कहाँ है मेरा करण? वो मर चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। करण, करण कैसे मर सकता है? वो नहीं मर सकता। मैं सबूत हूं कि वो नहीं मर सकता। करण जिंदा है, वो जिंदा है। अरे वो सांस लेता है तो मैं सांस लेती। वो कैसे मर सकता है? वो कैसे मर सकता है? मेरा करण नहीं मर सकता। मेरा करण नहीं मर सकता। उसकी उम्मीद छोड़ दे लड़की। नैना सांस छोड़ सकती है, करण की आस नहीं छोड़ सकती। हमारी चाहत तुझे किसी और की आस करने की इजाजत नहीं दे सकती। तुझे नैना चाहिए ना? बहुत खूबसूरत लगता है ना नैना का ये जिस्म। अगर ये जिस्म मेरे करण की सजा है तो मैं इस जिस्म को बर्बाद कर दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी इस जिस्म के, बर्बाद कर दूंगी अपने आप को, टुकड़े टुकड़े। बस, 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 इस जिस्म पर हमारा हक है, तू इस पर और जुल्म नहीं कर सकती। यही तो फर्क है तुझ में और करण में। तुझे सिर्फ नैना के जिस्म से प्यार है, लेकिन करण, करण के लिए नैना जिस्म नहीं, नैना जिस्म नहीं, वो तो उसे उसकी रूह तक प्यार करता है, उसकी रूह तक प्यार करता है, उसकी रूह तक प्यार करता है। नवेली, हुकुम। इससे पहले कि हम अपने होश गवा बैठे, इस लड़की को होश में ले आओ। जिद छोड़ दो भाई, आप हार जाओगे। हम कभी हार नहीं सकते। हार सकते हैं प्यार से। उनके पीछे प्यार की ताकत है जो आपसे बड़ी है। ठाकुर दिग्विजय सिंह, जिंदगी में कभी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी नहीं। मरना चाहता है? मरने का बहुत शौक है तुझे? नैना के बगैर तो हम मर भी नहीं सकते। मिलना चाहेगा नैना से? आ मेरे साथ। नैना, पहले कि मेरे भाई का कहर तुम दोनों पर मौत बनकर टूटे, भाग जा इसे लेकर। मैं कहती हूँ भाग जा। हमें भगाने का अंजाम जानती हूँ छोटी मालकिन। मौत, मौत से ज्यादा कोई क्या दे सकता है? और मौत से कम लेना तो मोहब्बत की तौहीन होगी ना करण। भाग जाओ,
मैं कहती हूँ भाग जाओ।